अवेरी ओम वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से बी एल एस सी एल एस एम एल एस कर रहे हैं कर चुके हैं या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टूडेंट आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बी एल आई ई टू टू एट का जो आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड ये यह जो यहाँ पे ब्लॉक वन है इसको हम पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देना चाहते हैं ताकि आपको जो ब्लॉक वन है उससे जितने भी टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो आपको क्लियर हो जाए ऑलरेडी हमने तीन लेक्चर ब्लॉक वन से रिलेटेड हमने डाल दिया है वो मैं आपको नीचे बताऊँगा तो बी एल आई ई टू टू एट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज तो ब्लॉक वन है कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा यूनिट वन लिटरेचर सर्च एंड वेबलोग्राफिक सर्च इससे पहले यूनिट थर्ड को हमने ऑलरेडी आपका कवर करा दिया है ऑब्सट्रैक्टिंग डाइजेस्ट एंड द न्यूज़ पेपर्स क्लिपिंग सर्विसेज और बाकी जो दो यूनिट है उसको भी हम कवर कराएंगे बट वही है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही हम आपको यहाँ पे कवर कराने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला यहाँ पे जो ब्लॉक है फर्स्ट ब्लॉक उसका फर्स्ट यूनिट यहाँ पे कवर कराने वाले हैं लिटरेचर सर्च बिब्लोग्राफिक सर्च वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इससे आपको एक नए क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा या तो पूरा फुल फ्लेजेड क्वेश्चन बन जाएगा लिटरेचर सर्च व्हाट इज लिटरेचर सर्च एंड एक्सप्लेन द सब्जेक्ट अप्रोच या फिर ऑथर अप्रोच या फिर टेक्निक्स सर्च टेक्निक्स इस तरीके क्वेश्चन बन जाएंगे या फिर सिंपली सर्च टेक्निक क्या होता है जो कि शॉर्ट नोट पर आता है बिब्लोग्राफिक सर्च क्या होता है और कंपा जो यहाँ पे सिंपल जो एंट्रीज होती हैं एन वगैरह ये सारी जो चीज़ें हैं क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं तो जो लिटरेचर सर्च है एंड बिबलोग्राफिक सर्च ये वाइट टॉपिक है और इस पर क्वेश्चन हमेशा ही बनते हैं मैं आपको साथ में क्वेश्चन भी बताता चलूँगा जैसा अभी मैंने ऊपर बताया व्हाट इज़ लिटरेचर सर्च इस तरीके क्वेश्चन आपको आ सकता है तो सिंपली लिटरेचर सर्च पे आएगा तो आपको सिर्फ लिटरेचर सर्च के बारे में लिखना है और अगर उसमें एड ऑन कर दिया कि सर्च टेक्निक बताएं या फिर ऑथर सर्च से कैसे होता है तो फिर आपको वो सारे वो भी ऐड कर देना है उसमें तो लिटरेचर सर्च सिंपली मीन्स सर्चिंग द लिटरेचर रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर जो टॉपिक्स होते हैं उससे रिगार्डिंग लाइक द लिटरेचर इज़ अवेलेबल इन वेरिड फॉर्म सच एज जनरल आर्टिकल्स हो गया बुक्स हो गया थीसिस पे पेटेंट स्टैंडर्ड एक्सेट्रा

इन द वर्ल्ड बींग पब्लिश इन डिफरेंट लैंग्वेज तो अलग अलग लैंग्वेज में दुनिया में बहुत सारे ऐसे इस टॉपिक से रिलेटेड जो जनरल है वो पब्लिश होते हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर यू विल नॉट बी एबल टू रीड द आर्टिकल्स पब्लिश इन ऑल द जनरल्स तो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे क्योंकि लैंग्वेज बैरियर आ जाएगा ना इधर विल यू गेट द ऑल जनरल इन वन टॉप वन प्लेस तो एक प्लेस पर वो मिलेगा भी नहीं आपको द क्वेश्चन ऑब्वियसली अराइज वॉट इज़ द सोल्यूशन तो सोल्यूशन क्या है इस ये जो भी दिक्कत आती है उनका सोल्यूशन क्या है ध्यान रखिए ये आपका यहाँ पे लिटरेचर सर्च से रिलेटेड है तो अगर सिंपली लिटरेचर सर्च पे क्वेश्चन है तो इतना ही आपको लिखना है लास्ट तक जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो इसका सोल्यूशन क्या है रिसर्चर्स इन द वर्ल्ड फेस दिस प्रॉब्लम लॉन्ग एगो रिसर्चर्स ने पूरी दुनिया में ये सेम प्रॉब्लम फेस किया एज अ रिजल्ट सोल्यूशन हैव व ऑल्सो बीन फाउंड आउट इन द फॉर्म ऑफ ऑब्सट्रैक्टिंग एंड इंडक्सिंग प्रियोडिकल एज वेल एज रिव्यूइंग्रियाडिकल तो ये यहाँ पर तो उन्होंने कुछ चीज़ें हैं जो फाउंड आउट किया जैसे ऑब्सट्रैक्टिंग इंडक्सिंग पेडिकल एज वेल एज रिव्यूइंग्रियाडिकल मोस्ट ऑफ दिस सोर्सेज आर नाउ अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल आपको करवा दी गई हैं एज़ वेल एज़ विच कैन बी सर्च ऑनलाइन विद ग्रेट स्पीड ऑनलाइन आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से यहाँ पर सर्च कर पाएंगे फॉर लिटरेचर सर्च यू यू आर टू फॉलो अ वेल डिफाइंड पाथ लिटरेचर सर्च के लिए आपको एक वेल डिफाइंड पाथ को फॉलो करना पड़ेगा जिससे आपका जो सर्च है वो बहुत आसानी से हो जाएगा अदरवाइज यू में सिंपली वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी अचीविंग पर्टिकुलर पर्टिकुलरली नथिंग तो वही है कि अगर आप उस पर्टिकुलर चीज को फॉलो करके आप करते हैं तो आप बहुत अच्छे से मतलब चीज़ों को गेन कर पाएंगे अदरवाइज आप मतलब वॉन्डर uh, करते रह जाएंगे इधर उधर सो दिस अप्रोच थ्रू जो कॉम्प्रीहेंसिवली लेस यूज ए टाइम इल वेरी गुड रिजल्ट बहुत अच्छा रिजल्ट देता है तो सब्जेक्ट अप्रोच की बात करें तो इन द फॉलोइंग सब सेक्शन वी वी शैल डिस्कस द टेक्निक इन्वॉल्व इन सब्जेक्ट अप्रोच स्टेप बाय स्टेप तो कौन कौन से टेक्निक इन्वॉल्व है in इनमें ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं तो ये थोड़ा ब्रीफ में बताऊँगा क्योंकि टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए बाकी आप ख़ुद एक्सप्लेन कर लेना तो लाइक स्टेप वन है यहाँ पे रिसर्च फॉर सॉरी रिक्वेस्ट फॉर जो लिटरेचर सर्च है उसको रिक्वेस्ट करना लाइक इट मे कम इन पर्सन और इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन लाइक ईमेल के द्वारा एसएमएस के द्वारा लेटर के द्वारा टेली कॉल के द्वारा आपने उनको रिक्वेस्ट किया इट इज इट इज़ टू बी चेक्ड फ्रॉम द क्वेरी वेदर द पर्पज एंड द स्कोप आर क्लियरली मेंशन। वो मेंशन होना चाहिए कि किस परपज़ एंड स्कोप के लिए आप उस चीज़ को मतलब कर रहे हैं स्कोप इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर स्कोप बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इट टेक्स इंटू अकाउंट द टॉपिक इज़ क्लियर कट टर्म्स एंड दवरेज इन आइटम्स ऑफ द पीरियड द जोग्राफिकल एरिया द लैंगवेज एंड द फॉर्म्स ऑफ जो डॉक्यूमेंट है ये सारे इसमें कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं uh, उसके बाद यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें जैसे कि रेफरेंस रिव्यू हो गया टॉपिक्स हो गया सनानोमस रिलेटेड टर्म्स ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं उसके बाद पी, पीरियड्स आ गया यहाँ पे जैसे पीरियड द टॉपिक फॉर लिटरेचर सर्च मे बी डेट बैक टू वन हंड्रेड ईयर्स और मोर तो ये पीरियड भी बताता है कि किस पीरियड तक के आप लिटरेचर को आपको चाहिए फिर जोग्राफिकल एरिया कौन से जोग्राफिकल एरिया के आपको लिटरेचर चाहिए ऑल इन ऑल लिटरेचर सर्च जोग्राफिकल एरिया इज़ इज़ नॉट इन्वॉल्व उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है इफ़ यू आर कंडिंग लिटरेचर सर्च ऑन वॉक डन ऑन जो सुपर वेराइटी है सिंस टू थाउजेंड वन यू विल हैव टू सर्च वर्ल्ड वाइड लिटरेचर पूरे दुनिया का लिटरेचर ही सर्च करेंगे ऐसा कोई वो नहीं होता फिर लैंग्वेज आ जाता है जिसमें कि लिटरेचर ऑन एनी टॉपिक इज़ प्रोड्यूस्ड इन मैनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड तो आपको अगर किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में चाहिए तो वो भी आपको स्पेसिफाई कर दें ताकि लिटरेचर जो सर्च है वो आसानी से हो पाए फिर है फॉर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट की बात करें तो इफ़ यू गो थ्रू द लिस्ट ऑफ रेफरेंस गिवन एट द एंड ऑफ द ऑफ़ द लर्न जो पब्लिक पब्लिकेशन है यू विल नोटिस दैट देर आर साइटेशन जो पटेनिंग है टू जर्नर आर्टिकल हो गया मोनोग्राफ हो गया बुक हो गया एंड मैनी अदर थिंग दिस क्लियरली इंडिकेट दैट रिसर्च आर इंटरस्ट इन ऑल दॉक्यूमेंट वो हर सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट इंटरेस्टेड है इन स्टेप वन वी वी हैव टॉक्ड अबाउट द टॉपिक एंड द स्को टॉपिक और स्कोप के बारे में हमने बात किया वंस वी हैव क्लियर आइडिया अबाउट द टॉपिक एंड इट्स स्कोप वी कैन टेक द नेक्स्ट स्टेप तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे जो कि स्टेप सेकेंड है यहाँ पे स्टेप सेकेंड क्या है इन द मोस्ट केस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लिटरेचर सर्च इज टू कंपाइल अबलोग्राफिक तो हर सर्च में क्या होता है और हर केस में क्या होता है ज़्यादातर केसेस में जो ऑब्जेक्टिव होते हैं लिटरेचर सर्च का वो सिंपली क्या होता है uh, कंपाइल करना है यहाँ पे विब्लोग्राफिक फॉर द रिसर्चर्स इफ़ डैट इज़ ऑल्सो योर ऑब्जेक्टिव अगर ये आपका भी ऑब्जेक्टिव है दैन यू शुड फॉलो द फॉलोइंग पाथ तो कुछ यहाँ पे पाथ है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा देर आर न्यूमरस पब्लिकेश पब्लिश यहाँ पे विबलोग्राफी है ऑन वेरियस सब्जेक्ट

फिर बिब्लोग्राफिक इंडेक्स आ गया यहाँ पे क्यूमिलिटी बिब्लोग्राफी और विब्लोग्राफीज तो इसमें यहाँ पे ईयर एन कौन सा पब्लिकेशन है ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे मेंशन होती हैं तो ये है इस इसमें फिर देखिए यहाँ पे आ, ना यू आर फेसिंग आ, टू प्रॉब्लम दो प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पहला है पॉसिबिलिटी वन एंड पॉसिबिलिटी टू पॉसिबिलिटी वन क्या है कंसल्टिंग द सोर्स सोर्स को कंसल्ट करना यू मे लोकेट वन और मोर ब्योलोग्राफी आप एक या एक से ज़्यादा ब्योलोग्राफी लोकेट कर रहे हैं यू कैन गेट दो मे कॉपी एंड सप्लाई इट टू द रिसर्चर्स द ब्योलोग्राफी यू हैव लोकेट मे नॉट बी अप टू डेट वो क्या बताए अप टू डेट ना हो तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है पॉसिबिलिटी सेकेंड क्या है कि इन दफोर्ड सेट सोर्स यू हैव फेल टू लोकेट एनी ब्यूलोग्राफी आप मतलब कि क्या पता है आप बेलोग्राफी को लोकेट ही ना कर पाए नाव यू यू नीड टू गो थ्रू सेकेंड्री सोर्स सेकेंडरी सोर्स के द्वारा आप जाएंगे uh, जो पर ट्रेनिंग करते सब्जेक्ट के रिलेटेड उसके बाद यहाँ पर कुछ है जैसे आफ्टर यू हैव डन दीज गो

फिर है लेट लेटस्ट टेक द सिचुएशन वन बाय वन तो ये सिचुएशन आप ख़ुद पढ़ लेना बिकॉज इट टेक टू मच टाइम हाँ इससे क्वेश्चन आते हैं मल्टी फोकल टॉपिक से तो ये क्या होता है ये भी देख लेते हैं तो ऑफ़न देयर आर रिक्वेस्ट ऑफ बिब्लोग्राफी फॉर सच सच टॉपिक्स विच आर मल्टी फोकल बहुत सारे बहुत बार ऐसा होता है रिक्वेस्ट आता है बिब्लोग्राफी का जो कि मल्टी फोकल सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं लाइक पेस्टिसाइड पॉइजनिंग हो गया ऑफ वर्ड्स हेयर पेस्टिसाइज पर्टेन केमिस्ट्री हो गया पॉइजनिंग टू टॉक्सिक लॉजी हो गया द वर्ड्स पर्टेन टू जूलॉजी फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव बिब्लोग्राफिक ऑन द टॉपिक यू आर यू आर टू कंसल्ट लाइक केमिकल ऑबस्ट्रैक्ट तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं स्टेप यहाँ पे थर्ड है सर्च फॉर लेटेस्ट लिटरेचर लेटेस्ट जो लिटरेचर है उनको सर्च करें प्राइमरी पीरियडिकल इसमें आ जाता है और कॉन्फ्रेंस प्रिसडिंग आ गया यहाँ पे तो जितने भी लेटेस्ट होता है रिसर्च रिपोर्ट आ गया तो ये सारी चीज़ चीज़ों को ऊपर यहाँ पे सर्च करें पेटेंट हो गया थीस हो गया तो ये सब लेटेस्ट जो भी पब्लिश हुआ है उसको सर्च करने के लिए आप वहाँ पे डालेंगे तो जन ज़, ज़्यादा जल्दी से आपको रिज़ल्ट मिलेगा और लेटेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे व्हाट आर द मल्टीफोकल टॉपिक्स या फिर इन्यूमरेट सोर्स यू विल कंसल्ट टू फाइंड आउट द जो लेटेस्ट लिटरेचर होता है तो यही है यह जो हमने अभी पढ़ाया आपको फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक वो है ऑथर अप्रोच तो ऑथर अप्रोच से कैसे आप लिटरेचर को सर्च करते हैं और बाकी सारी चीज़ों को लाइक आ, दो थ्रू नॉट वेरी पॉपुलर ऑल दो इट्स नॉट वेरी पॉपुलर जो ऑथर होता है ऑथर अप्रोच इज ऑल्सो अ इफेक्टिव अप्रोच फॉर द कंपाइलेशन ऑफ विब्लोग्राफी विब्लोग्राफी के कंपाइल करने के लिए भी ये इंपॉर्टेंट एक अप्रोच है इन दिस केस द टेक्निक ऑफ कंपाइलेशन ऑफ अ विबलोग्राफी इज एज फॉलो लाइक फाइंड आउट द नेम ऑफ द ऑथर हु कंट्रीब्यूट पेपर ऑन द सब्जेक्ट टू विच योर टॉपिक्स बिलोंग कौन ऑथर है जो इसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया है इट विल बी वेरी गुड इफ़ द ऑथर इज़ अ प्रो लिफिकल जो राइटर है वो अगर हो गया तो तो इस तरीके से आपका फिर है नाउ फाइंड द द पेपर कॉन्ट्रीब्यूटर बाई द ऑथर ऑन द टॉपिक या गेट द कापी ऑफ द पेपर चेक द रेफरेंसिस बिब्लोग्राफी गिवन इन द टॉपिक या प्रिपेयर एंट्री फॉर ऑल द जो रेलिवेंट आइटम्स है थ्री इंटू फाइव इंटू थ्री के कार्ट के में कार्ड का ये साइज होता है ये भी पूछता है वन जब वन वन डे आपका ए, अगर एग्जाम होता है तो उसमें कार्ड की साइज़ पूछती है जो कि uh, यहाँ पे यहाँ पे मेंशन है फिर इन मोस्ट ऑफ द एंट्रीज यू विल फाइंड द नेम ऑफ द ऑथर इट इज़ लाइकली डेट मोस्ट ऑफ द ऑथर फिंग फिंगरिंग इन द एंट्रीज पर्टेनिंग टू द फील्ड फील्ड टू विच योर टॉपिक्स बिलोंग तो नाउ फाइंड आउट द पेपर पेपर फाइंड आउट करना है बाय दिस ऑथर या फिर पेपर एंट्रीज ऑफ ऑल द जो रेलिवेंट पेपर है मर्ज देम विद दर्लियर जो एंट्रीज होती हैं रिमूव द डुप्लीकेशन एंट्रीज इन दिस एंट्रीज यू विल फाइंड सम न्यू जो ऑथर होता है कंटिन्यू द प्रोसेस टिल नो no, जो न्यू ऑथर इज़ फाउंड उसको कंटिन्यू करेगा अगर आपको नहीं फाइंड फाउंड होता है तो एंड योर व्यूलोग्राफिक विल बी हाईली रिलेवेंट एंड कवर मोस्ट ऑफ़ द जो रेलिवेंट आइटम्स होते हैं अब यहाँ पे लेटर्स टेक द कंक्रीट जो एग्जाम्पल है डोमेंस्ट्रेटिंग द कंपाइलेशन जो प्रोसेस होता है तो इसमें भी स्टेप बाई स्टेप बताया गया है लाइक स्टेप वन सपोज यू आर यू हैव रिसिव्ड अ रिक्वेस्ट फ्राम द रिसर्चर्स टू कंपाइल अलोलोग्राफिक ऑन जो वेबो वेबोमेट्रिक है इसके ऊपर तो आप क्या करेंगे दिस इज द कम्पेरेटिवली जो न्यू फील्ड है एंड द आइटम्स नॉट मैट्रिक स्टडी ऑफ द वेब एंड इट्स कम्पोनेंट सपोज यू नो द डैट द आर जय शंकर जो हैज़ पब्लिश अ पब्लिश अ पेपर ऑन द वेबोमेट्रिक्स तो आप कैसे सर्च करेंगे तो इस तरीके से चीज़ें हैं यहाँ पे आती है रेफरेंसेस वग़ैरह भी इसमें आ जाता है तो रेफरेंसेस आपको पता है कैसे लिखा जाता है यहाँ पे देखिए ये सब रेफरेंसेस के यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं आपने रेफरेंसेस लिखे भी होंगे जब आपने यहाँ पे जब पेपर आपने उसका असाइनमेंट बनाया होगा तो स्टेप टू है नॉट राय टू टू गेट ऑल दीज आर्टिकल्स एंड गो थ्रू द सेक्शन रेफरेंस फिर सेक्शन रेफरेंस में जाए उसको फाइंड आउट करके स्टेप थ्री है यहाँ पे फ्राम द रेज सेलेक्ट द आर्टिकल डेट बिलोंग्स टू वेबोमेट्रिक्स पेपर कार्ड फॉर ऑल द वेबोमेट्रिक्स आर्टिकल सेलेक्ट फ्राम द पेपर तो वही है अरेंज दल्फाबेटिकली मर्ज सेट ऑफ़ द कार्ड टू फर्स्ट कार्ड द थर्ड एंड थर्ड कार्ड तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं यहाँ पे यहाँ पे कंप्लीट होती हैं उसके बाद आता है ऑफ़लाइन एंड ऑनलाइन सर्च तो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन सर्च की बात करें तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ऑफ़लाइन मतलब कि जब आ, आप मैनुअली सर्च करते हैं आप कहीं जाके जैसे किसी लाइब्रेरी में जाके सर्च कर रहे हैं तो वो ऑफलाइन सर्च होता है ऑनलाइन सर्च कैसे होता है कि आप नेट के द्वारा या फिर डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से आप सर्च करवा रहे हैं तो ऑनलाइन सर्च होता है तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आप इसको पढ़ लेना अपने लेवल पर जिसमें यू वगैरह आ जाता है नेट आ जाता है वेब पे आप सर्च जो है वो कर रहे होते हैं तो ये सब उसी का यहाँ पे बताया गया है और इतना कुछ खास है नहीं हालांकि हाँ थोड़ा बहुत आ सकता है इससे भी तो आप देख लेना फिर नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है वो है बिब्लोग्राफिक सर्च तो बिब्लोग्राफिक सर्च जो है ये हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें कवर कराएंगे तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए धन्यवाद